हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी स्टॉप। तो मैं फिर आ चुका हूँ ऐसी टॉप 7 मूवीज़ की लिस्ट लेकर जो कि हॉलीवुड मूवीज़ हैं, और ये सभी मूवीज़ हिंदी में डब्ड हैं, जिनका लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप इन्हें मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप कोई मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो इस लिस्ट में से आप किसी भी मूवी को देख लेंगे, वो बहुत ही गजब मूवी है। तो फटाक से मैं अपनी लिस्ट को स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर जो मेरी लिस्ट में 7 नंबर मूवी है उसका नाम है फंटेस्टिक फोर, जो कि एक्शन एडवेंचर फिल्म है और ये आई थी 2005 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.7 out of 10। तो फैंटेस्टिक फोर की दो फिल्म आ चुकी हैं, मतलब दो नहीं तीन आ चुकी हैं। तो एक आई थी फैंटेस्टिक फोर 2005 में, जिसमें दो फिल्म आई, मतलब उसका दो पार्ट हैं, और उसके बाद एक और आई थी फैंटेस्टिक फोर 2015 में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पहले वाली फैंटेस्टिक फोर के बारे में बता रहा हूँ, जो कि सबसे पहले आई थी, मतलब 2005 में आई थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे सुपर हीरो रहते हैं, और सुपर हीरो तब वो बनते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं, और स्पेस में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था, और उस वजह से उनके अंदर पावर्स आ जाती हैं और वो सुपर हीरो जाते हैं। तो मूवी बहुत ही गजब, इसको आप जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डांस पसंद है या फिर डांसर बनना चाहते हैं या फिर डांस का भूत अपने आप में सवार करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी मूवी सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि बहुत ही अच्छी डांसिंग एंड रोमांस फिल्म है, जिसका नाम है स्टेप अप, और ये आई थी 2006 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10। तो इस सीरीज में 5 मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पहली मूवी के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए और 5 मूवी देख लीजिए, गजब की मूवी है। और मैं तो इस समय 4th पर पहुँचा हूँ। तो भाई, अगर आप डांस का ज्वाला अपने आप में जगाना चाहते हैं तो इस मूवी जरूर देखिए, बहुत ही गजब मूवी है। Okay, wait, catch me. और उसके बाद है एक ऐसी साइफाई मूवी जो कि अलग लेवल की है, और उसका नाम है ट्रॉन लेगेसी, जो कि साइफाई एक्शन मूवी है, और ये आई थी 2010 में, और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 out of 10। तो मूवी बहुत ही गजब है, और अगर आप इस मूवी को बड़े स्क्रीन पे देखेंगे जैसे कि टीवी पर या फिर लैपटॉप में, तभी आपको मज़ा आएगा, मोबाइल में उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इस मूवी का जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा गजब हैं। तो मूवी में होता ये है कि एक गेम डेवलपर का बेटा अपने फादर को ढूंढने के लिए एक वर्चुअल स्पेस में चला जाता है, और वो वर्चुअल स्पेस एकदम अलग है, और वो तो आप फिल्म में देखेंगे। तो मूवी बहुत अच्छी है, इसको भी आप जरूर ट्राई करिए। और उसके बाद है सिंड्रेला, जो कि रोमांस फैमिली फिल्म है, और ये आई थी 2015 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.9 out of 10। देखो भाई, सिंड्रेला के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्योंकि सिंड्रेला एक बहुत ही फेमस करेक्टर है, जिसके ऊपर बहुत सारी कॉमिक्स बुक आ चुकी हैं और मूवीज आ चुकी हैं। तो सिंड्रेला के बारे में मैंने तो बचपन में एक GK की किताब में पढ़ा था, और उसी वजह से मैंने इस मूवी को देखा था, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा था। तो मूवी में होता यह है कि जब सिंड्रेला के पापा गुजर जाते हैं, और उसके बाद सिंड्रेला की स्टेप मदर और दो स्टेप सिस्टर्स बचती हैं, और वो बहुत परेशान करती हैं सिंड्रेला को, लेकिन सिंड्रेला इन सब चीज़ों से हार नहीं मानती है, वो अपना बेस्ट देती रहती है, और एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाती है। तो मूवी बहुत ही अच्छी, आप जरूर देखिए, और क्योंकि ये रोमांस फिल्म भी है तो आपको मज़ा जरूर आएगा। और उसके बाद है एक बहुत ही अच्छी एनिमेटेड मूवी, जिसका नाम है मॉन्स्टर्स इनकॉर्पोरेट, जो कि एनिमेटेड कॉमेडी मूवी है, और ये आई थी 2001 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8 out of 10। तो इस फिल्म की दो पार्ट आ चुकी हैं, एक तो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, और एक आई थी 2013 में। तो मूवी बहुत ही अच्छी है, जो कि एक बहुत ही कॉमेडियन फिल्म भी है। तो मूवी में होता है ये है कि कुछ एनिमल्स रहते हैं, मतलब बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जो कि कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि कैसे बच्चों को डराया जाए, और उसके लिए वो क्लासेस भी लेते हैं, मतलब कुछ अलग चीज़ इस मूवी में दिखाया गया है। और अगर आपको कार्टून मूवी पसंद है तो इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी ज़रूर दिखाइए आप इस मूवी को, क्योंकि मूवी बहुत ही अच्छी है, और अगर आप हिंदी में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसके बाद है दी हंगर गेम्स, जो कि एक्शन साइफाई मूवी है, और ये आई थी 2012 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2 out of 10। तो इस फिल्म की 4 पार्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पहली मूवी के बारे में बता रहा हूँ। तो मूवी में एक ऐसा टूर्नामेंट दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जीतेगा वही जो कि लास्ट में अकेला बचेगा, मतलब जब सब मर जाएंगे और अकेला अगर कोई बंदा बच गया तो वही जीत जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि करो या फिर मरो वाला सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरे लिस्ट में 1st नंबर मूवी है उसका नाम है शेरलॉक होम्स, जो कि मिस्ट्री एक्शन मूवी है, और ये आई थी 2009 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.6 out of 10। और इस मूवी का अगला सीक्वल भी आया है, जो कि आया था 2011 में। तो अगर आपको कोई ऐसी मूवी देखनी है जिसकी स्टोरी बहुत ही घुमाओ फिरो हो, या फिर ऐसी मूवी जो कि आपको सोचने में मजबूर कर दे, तो मैं कहूँगा कि इस मूवी को आप ज़रूर देखिए, जिसमें होता ये है कि यहाँ पर एक ब्लैकवुड नाम का विलन रहता है, और उसको फांसी दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो ज़िंदा हो जाता है, मतलब उसको कब्र में पाट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ज़िंदा हो जाता है। अब क्या होता है, शेरलॉक होम्स
और उसका दोस्त दोनों मिल के ब्लैकवुड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या ब्लैकवुड को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, ये तो आपको इस मूवी में देखना चाहिए। तो गाइस यही थी मेरी लिस्ट की टॉप 7 हॉलीवुड हिंदी डब्ड मूवीज़ जो कि आपको यूट्यूब पर फ्रीली देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने इस लिस्ट में से किसी मूवी को देखा उसके बारे में आप कमेंट में बताइए कि वो मूवी आपको कैसी लगी। सो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर।